तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी समय हो गया है 7:40 और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। ये भाई जी हमको 2 दिन ठहरने दिए, अब यहाँ से निकलते हैं और मथुरा गोवर्धन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मथुरा पहुंच चुके हैं, चलिए अब द्वारकाधीश की तरफ चलते हैं और आप लोगों को द्वारकाधीश दिखलाते हैं। चलिए अब द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी का दर्शन तो कर लिए, तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और यमुना जी का दर्शन करते हैं। तो अभी हम यमुना घाट पे आ चुके हैं, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बोटिंग करते हैं। कितने अकेला है और भी देख लो कहीं नहीं। पूरा नाले का पानी आता है इसमें, पूरा काला काला नहीं हो गया है, बंद पानी है ना। डैम लगा हुआ है, डैम बना हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, यमुना जी का दर्शन कर लिए, पानी तो बहुत गंदा था। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और गोवर्धन की तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम मथुरा से गोवर्धन आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक रूम लिया है जिसका मुझे 200 रुपया एक दिन का पेड करना पड़ा है। तो चलिए अब हम आप लोगों को गोवर्धन घुमाते हैं। तो चलिए हम गिरिराज जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा करेंगे।
चलिए गिरिराज जी का दर्शन कर लिए हम, अब परिक्रमा करते हैं। तो लोग यहाँ सुबह के समय ज्यादा परिक्रमा करते हैं, ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे परिक्रमा में। अभी शाम हो गया है इसलिए ज्यादा भीड़ है नहीं, बट फिर भी कुछ कुछ लोग अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये वही गोवर्धन पर्वत है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पे उठाए थे। तो हम 4 बजे के आसपास परिक्रमा स्टार्ट किए थे और अभी 5 बज चुका है और अभी भी हम परिक्रमा कर ही रहे हैं। हमने पता किया तो पता चला कि 6 से 7 घंटा लगता है परिक्रमा करने में, तो हो सकता है कि हमें रात हो जाए। तो अभी हम शेष 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं और ये टोटल 21 किलोमीटर दूरी है। राधे राधे, राधे राधे। तो अब शेष 6 किलोमीटर बची है, चलिए हम अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। राधे राधे। तो अभी हम राधा कुंड पे हैं।